प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के दौरे पर देश को देंगे 30,500 करोड़ की सौगात। शिक्षा, सड़क, रेलवे और विमानन की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। जम्मू में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत 24 घंटों में हुई फेल। सरकार के एमएसपी प्रस्ताव को किया खारिज। 21 फरवरी को दिल्ली कूच का किया ऐलान। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से किया खारिज। किसान नेता पंढेर बोले, लीगल गारंटी कानून किसानों को केवल भटकाने की कोशिश, लागू हो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। यूपी में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटों का दिया ऑफर। कांग्रेसी नेता जयराम बोले, सीट शेयरिंग पर बातचीत पॉजिटिव। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होल्ड कर राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश। बीजेपी नेता ने दायर किया था मानहानि का मुकदमा। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ साल 2018 में दिया था बयान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। बैलेट पेपर और वीडियो देखे जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह को हाजिर रहने के निर्देश। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 वांटेड समेत 10 और दंगाई गिरफ्तार। पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने वाला अरबाज भी हुआ गिरफ्तार। अवैध मदरसे के अतिक्रमण को हटाने के दौरान भड़की थी हिंसा। दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ बारिश से बढ़ी ठंड। अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने का अनुमान। नई दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट में यात्रियों की अटकी सांसें। खराब मौसम की वजह से डगमगाई फ्लाइट। दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तरी कोरिया के सैन्य तानाशाह किम जोंग को रूसी राष्ट्रपति ने गिफ्ट की रूस में बनी स्पेशल कार। तोहफे से गदगद हुई किम की बहन ने पुतिन का किया धन्यवाद।